लंबी दूरी की ट्रेनों में अवैध वसूली करने वाले शख्स को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार शख्स का नाम रफीक मोहम्मद शेख बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है। आईपीसी की धारा 384 तथा 341 के तहत उस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरपीएफ ने इंडियन रेलवे एक्ट 147 के तहत उसके ऊपर यह कार्रवाई की है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सुजीत मिश्रा की ये विशेष रिपोर्ट। जरा नीचे का सीटा बिठा रहा हूँ, खिड़की वाला भी नहीं मिलेगा, पहले आने का था, खिड़की वाला नहीं मिलेगा, मैं पहले दो नंबर में मिलेगा, आ जाए इधर। अरे नहीं है तो जाके जाऊंगा भाई, दूसरे को उठा कर दे जाओगे तेरे को। अरे नहीं है तो मैं पहले आता था खिड़की वाला मिल जाता था। दलाल और कहाँ का?